एक बार के लिए सोच कर देखिए, अगर हमारा सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? धरती पर क्या होगा अगर सूर्य एक घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए या फिर पूरे एक महीने के लिए गायब हो जाए? और क्या होगा अगर सूर्य पूरे एक साल के लिए गायब ही बना रहे? मैं सच बता रहा हूँ, सूरज के गायब होने के बाद धरती पर जो घटेगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर सूर्य अचानक से गायब होता है तो अगले 8 मिनट 20 सेकंड तक तो पृथ्वी पर पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि सूर्य जब आखिरी प्रकाश छोड़ा होगा तो उसको धरती तक पहुंचने में अभी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगने वाला है। जब सूर्य का आखिरी प्रकाश आना बंद हो जाएगा तब सूर्य के गायब होने का उधर पता चलेगा जहां पृथ्वी पर दिन का वक्त होगा। दिन में अचानक रात हो जाएगी। थोड़ी देर पहले जो आसमान नीला दिखाई दे रहा था वो अचानक काला हो जाएगा, जिसमें टिमटिमाते तारे नजर आने लगेंगे। लोगों को ये तो लगेगा कि आसमान में तो कुछ तो हुआ है, लेकिन सूर्य ही अचानक अपनी जगह से गायब हो चुका है, इसके बारे में लोग तुरंत जान ही नहीं पाएंगे। धरती पर जिस समय रात होगी वहाँ तो लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं लगने वाला कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही अंधेरा था। लेकिन धरती के रात वाले हिस्से में भी अंधेरा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा खुद की कोई रोशनी नहीं होती। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और धरती पर चांदनी बिखेरता है, लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद चंद्रमा भी चमकना बंद कर देगा, जिससे पृथ्वी पर और ज्यादा अंधेरा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए ये ब्राइट नॉर्दर्न लाइट फिर भी दिखाई देती रहेगी, क्योंकि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और आयनोस्फीयर को स्टेबल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये रोशनी भी बंद हो जाएगी। धरती पर केवल आर्टिफिशियल रोशनी ही बची रहेगी जो पावर प्लांट्स के द्वारा हमें मिलती रहेगी। सनलाइट ना मिलने के कारण पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना बंद कर देंगे, जिससे नेचुरल तरह से ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन रहेगी कि वो अगले कई सौ सालों तक हमें जिंदा रख सकेगी। पृथ्वी पर तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। सूर्य के गायब होने के महज एक घंटे के बाद धरती के जिस हिस्से में दिन था उधर कोहराम मचने लगेगा, क्योंकि अब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि सूरज गायब हो चुका है, और उधर लोगों में पैनिक मचा होगा। लेकिन जिधर रात थी उधर अभी भी लोग चैन की नींद सो रहे होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि सुबह इनके लिए भी होने वाला नहीं। जब ये सुबह उठेंगे और सूर्य इन्हें नहीं दिखाई देगा तब इधर भी पैनिक शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट्स पर निर्भर रहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट्स में सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे सैटेलाइट एनर्जी लेते हैं, लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद ये सोलर पैनल किसी भी काम के नहीं रहेंगे और सैटेलाइट काम करना बंद कर देगी, जिससे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट इत्यादि बंद पड़ जाएगी। समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, लेकिन धरती की कोर की वजह से धरती फिर भी अंदर से गर्म रहेगी। ऐसे में हम इंसानों को ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड में बने शेल्टर्स में आश्रय लेना होगा। सूर्य को गायब हुए सिर्फ 24 घंटे ही बीते हैं, लेकिन धरती पर चारों ओर अफरा तफरी मची होगी। लोगों को नहीं पता कि अब ये सिचुएशन कब तक ठीक होगी, इसीलिए लोग खाने पीने के सामान पर टूट पड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जितना हो सके उतना सामान अपने साथ ले जा सके, जिससे उन्हें लंबे समय तक भोजन की कोई दिक्कत ना हो। लोकल दुकान से लेकर सुपरमार्केट और सब खाली हो जाएंगे। जगह जगह लूटपाट और क्राइम बढ़ने लगेगा, और किसी भी सरकारी और अथॉरिटी को इस सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जिन जगहों पर सोलर प्लांट्स के जरिए पावर मिल रही थी वो तो सूर्य के गायब होते ही तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इत्यादि के द्वारा कुछ जगहों पर पावर मिलती रहेगी। सूर्य के गायब होने के 24 घंटों तक पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले 24 घंटों में सिर्फ हम इंसान ही ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हम इंसान टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रहेगी। इन 24 घंटों में हम इंसान मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके होंगे, लेकिन असली कयामत की घड़ी तो अब शुरू होगी, क्योंकि 24 घंटों के बाद पृथ्वी पर महाप्रलय की एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। 24 घंटों के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, और जैसे जैसे समय आगे गुजरता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर और ज्यादा कम होता जाएगा। छोटे छोटे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, लेकिन समुद्री जीवन पर अभी तक इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओशियन करेंट्स की वजह से समुद्र के पानी को पृथ्वी के
तल से हीट मिलती रहेगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के बाद भी धरती पर कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। अब तक पृथ्वी पर मौजूद झील और नदियां जम चुकी होंगी, समुद्र पर बर्फ की एक मोटी चादर जम चुकी होगी, लेकिन अभी भी समुद्रों में बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि उसको पृथ्वी के तल से हीट लगातार मिलती रहेगी, जिससे समुद्री जीव उसमें आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा उन्हीं जगहों पर होगा जहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होगी। कम गहराई वाली जगहों पर समुद्री जीवन खत्म होने लगेंगे। पृथ्वी पर मौजूद जो पेड़ पौधे थे वो अब तक खत्म हो चुके होंगे और शाकाहारी जीवों के लिए भोजन खत्म होता जाएगा, जिससे फूड चेन टूट जाएगा और शाकाहारी जानवर भूख और प्यास और ठंड की वजह से दम तोड़ने लगेंगे। सिर्फ एक हफ्ते में पृथ्वी आइस एज में पहुंचने लगेगी और पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम चुकी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते में हम इंसानों का क्या होगा। हम आपको बता दूं कि हम इंसान बड़े ही स्मार्ट हैं, इतनी जल्दी कैसे हार मान लेंगे। अभी भी पृथ्वी पर जिन जगहों पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं होगा और वहाँ पानी अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। तो इंसान ऐसी जगहों पर जाकर अपने आप को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं या अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाकर पनाह ले सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सबका बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इन परिस्थितियों में जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और इस एक हफ्ते में पृथ्वी पर पूरी तरह से ब्लैक आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो पावर प्लांट्स काम कर रहे थे वो भी काम करना बंद कर देंगे और पृथ्वी पर असली महाप्रलय अब शुरू होगी। पृथ्वी का तापमान हर दिन लगातार कम होता जाएगा और महज एक महीने में पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और अभी तक लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी होगी। अभी तक पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जानवर थे वो लगभग खत्म हो चुके होंगे, लेकिन समुद्री जीवन अभी भी सरवाइव कर रहा होगा और जहाँ पर भी थर्मल एक्टिविटी हो रही होगी जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी इत्यादि वहाँ पर भी जीवन सुरक्षित होगा। लेकिन समय के साथ समुद्र में बर्फ की परत मोटी होती जाएगी और समुद्री जीवन को भी धीरे धीरे अपनी चपेट में लेती जाएगी। पृथ्वी पर अभी तक जो इंसान बचे होंगे वो किसी न किसी तरह से ठंड को तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या भोजन की रहेगी। इंसान कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितने दिनों तक का भोजन स्टोर करके रखा है। एक साल के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और एक साल बाद जीवन सिर्फ समुद्र सबसे गहराई वाली जगहों पर बची रहेगी, जो जगह पृथ्वी के तल के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। इस एक साल में ज्यादातर इंसान खत्म हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी कुछ इंसान पृथ्वी की इन परिस्थितियों में अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन वो उन्हीं जगहों पर बचे रह पाएंगे जहां पर पृथ्वी की थर्मल एक्टिविटी काम कर रही होगी। आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान और ज्यादा कम होता जाएगा और कुछ हजार सालों में पृथ्वी का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इस स्टेज तक शायद ही पृथ्वी पर किसी तरह का जीवन जिंदा रह पाएगा। पृथ्वी एक वीरान और बंजर ग्रह बन चुकी होगी जिस पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगी। सूर्य के गायब होने के बाद पृथ्वी पर क्या होगा ये तो हमने सिर्फ एक पहलू को जाना, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सूर्य के गायब होने के बाद अंतरिक्ष में पृथ्वी का क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वो सूर्य ही है जो सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स को अपने ग्रेविटी से बांधे हुए है, लेकिन जैसे ही सूर्य गायब होगा तो सूर्य की ग्रेविटी तुरंत खत्म हो जाएगी और सौर मंडल की सभी ग्रह सूर्य की ग्रेविटी से मुक्त हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने लगेंगे। चांसेज है कि कुछ प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएं। अगर पृथ्वी प्लैनेट्स के टकराव से बच भी जाए तो भी पृथ्वी अंतरिक्ष की गहराई में एक लावारिस ग्रह की तरह भटकती रहेगी और पृथ्वी की ग्रेविटी अंतरिक्ष में मौजूद कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड को अपनी ओर खींचती रहेगी, जिससे पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड की बारिश होती रहेगी और पृथ्वी को अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस बात को भूल ही जाइए कि सूर्य के गायब होने के बाद पृथ्वी पर जीवन सरवाइव कर पाएगा। हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे ही भटकती रहेगी जब तक कि पृथ्वी किसी सोलर सिस्टम के पास से होकर ना गुजरे। अगर पृथ्वी अपनी यात्रा में हजारों लाखों साल के बाद किसी तारे के नजदीक से होकर गुजरती है और अगर उस तारे की ग्रेविटी पृथ्वी को अपनी ओर खींचकर अपने ऑर्बिट में फंसा लेती है और बाय चांस पृथ्वी का ऑर्बिट गोल्डिलॉक्स जोन में होता है जहां पानी को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए आइडियल टेम्परेचर रहता है, तो पृथ्वी पर कंडीशंस फिर से बेहतर होने लगेंगे। लेकिन इस पर नए जीवन को पैदा होने में कितना वक्त लगेगा ये पृथ्वी की परिस्थितियां ही तय करेंगी। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि ये केवल एक फैंटेसी, असल जीवन में सूर्य कहीं नहीं जाने वाला।
अभी तो हमारे सूर्य और पृथ्वी का भविष्य अरबों सालों तक सुनहरा है। वैज्ञानिकों का मानना है अभी से कुछ बिलियन सालों के बाद जब हमारा सूर्य बूढ़ा हो जाएगा तब ये एक रेड जॉइंट में तब्दील हो जाएगा और सूर्य का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मरकरी, वीनस और पृथ्वी तक को निगल जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे सूर्य में एक सुपरनोवा विस्फोट होगा जिसमें हमारे सूर्य का अंत हो जाएगा और पीछे रह जाएगी सूर्य के सेंटर में कूलिंग स्टेलर कोर और सूर्य एक ठंडा व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा और एक्सप्लोजन के बाद जो भी चीजें बची रह जाएंगी वो सभी इस व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे होंगे और हम उम्मीद करेंगे कि उस समय तक मानव प्रजाति पृथ्वी और अपने सोलर सिस्टम को छोड़ किसी दूसरे तारा मंडल की ओर पलायन कर चुकी होगी और वहाँ पर एक नई धरती पर नए जीवन की शुरुआत कर चुकी होगी। दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो आप क्या करोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।